गुलाब जामुन बनाने का इतना आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ दोस्तों कि एक बार देखेंगे आप तो आसानी से घर पर बना सकते हैं। कि जन्मदिन हो या कोई भी त्योहार हो या वैसे भी कभी मीठा खाने का मन करे तो बहुत इजीली आप घर में बना सकते हैं, सभी को खिला सकते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बनाना तो चुटकियों का खेल है। संध्या जी की किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। कभी कभी ब्रेड बच जाता है और दूसरे ब्रेड हम लेके आ जाते हैं, तो ये बची हुई ब्रेड है दोस्तों, चार ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाथों से थोड़ा इसे तोड़ लेंगे, उसके बाद इसे मिक्सर के जार में डालेंगे और 2 से 3 बार इसे मिक्सर को रोक रोक के चला लेंगे, यानी कि हमें ब्रेड क्रम बना लेना है। इसे बड़ी सी थाली में एक निकाल लेंगे। इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 2 चम्मच बारीक सूजी। अगर मोटी वाली सूजी है तो मिक्सर के जार में डाल के उसे पीस लेंगे, तब हम मिलाएंगे। तो बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है मैंने। और चलिए सूजी को डाल के अच्छे से, अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो ये उबला हुआ दूध है, ठंडा करके इस्तेमाल कर रही हूँ, कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। और बिल्कुल जब अच्छे से मिला लेंगे इसमें तो 1/2 चम्मच घी डाल देंगे और थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। अगर टाइट लगाएंगे तो बीच में जाके गुठलियाँ बनने लगती है रसगुल्ला में, बिल्कुल सॉफ्ट लगा लेंगे। हल्का सा गीला रखेंगे ताकि सूजी फूले तो वो थोड़ा टाइट हो जाए। तो मीठा सोडा डाल दिया है मैंने और इसको मिला के बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। अब इसमें से छोटा सा हिस्सा लेंगे और हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे गोल करके इस तरीक़े से गोल बॉल की तरह बना के सभी को रख लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया गोल बन गया है, क्रैक कहीं भी नहीं है। तो इस तरीके से हम बना के पहले सभी को रख लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सभी रसगुल्लों को तैयार कर लिया है और गैस पे कढ़ाई रख दिया है, तेल हमारा गर्म हो गया है। और चलिए इसमें एक एक करके सभी को डाल देंगे और इसे चलाएंगे नहीं, पैन को इस तरीके से हिलाते रहेंगे ताकि कहीं उसमें चम्मच वगैरह ना लगे। और इसे देखिए बिल्कुल लाल होने तक पकाएंगे, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और चलिए चाशनी बनाते हैं। तो 2 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी का चाशनी बनाएंगे, थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा इलायची डाल देंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और जब हमने रसगुल्लों को निकाल के रखा है वो रसगुल्ले थोड़े हमारे और कलर में डार्क हो जाएंगे। अगर आप लाइट कलर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट तेल में से निकाल के आप चाशनी में डाल सकते हैं। अगर आप तल के उसे बाहर छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए तो वो उसका कलर और भी डार्क हो जाता है। ये देखिए थोड़ा डार्क हो गया है, तो चलिए इसे हम डाल देते हैं चाशनी के अंदर और इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, यानी कि ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और ये देखिए सारा चाशनी को सोख लिया है रसगुल्ले ने, रसगुल्ला हमारा बहुत बढ़िया फूल के कितने बड़े बड़े हो गए हैं और रस बिल्कुल अंदर तक चला गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको काट के भी दिखाती हूँ कि रस इसमें कितना अच्छा से गया है। ब्रेड का रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनता है दोस्तों, एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा इस तरीके से, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। रस बिल्कुल अंदर तक चला जाता है, इसमें गुठलियाँ नहीं होती है इस तरीके से। तो आप भी बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश करेंगे इसे और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार हमारा ब्रेड का गुलाब जामुन बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप भी बना के ट्राई करिए। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।